जमशेदपुर के पोटका विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि पोटका को कमीशन खोरी से मुक्त करना है। विकास केवल कागजों पर हुआ है, धरातल पर नहीं। इस बार पोटका समेत पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर है। मीरा मुंडा ने कहा कि पोटका में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी काफी बढ़ गई है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान है। इसे खत्म करना है। सबसे पहले आप सभी देश के मित्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को अभिनंदन जोहार, स्वागत। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मेरा लक्ष्य पोटका के क्षेत्र को कमीशनखोरी के चंगुल से मुक्त कराना है और सभी जरूरतमंदों की सरकार की योजना को क्षेत्र तक पहुंचाना है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है, कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो धरातल पर पहुंच नहीं पाई है। यहाँ क्षेत्र में गांव पर मैं घूम रही हूँ, लोगों से संवाद कर रही हूँ, जो कई सारे कार्य सिर्फ पेपर में हुआ है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पर मॉडल कॉलेज का भी बात आई कि मॉडल कॉलेज हो गया है, लेकिन वो भी पेपर में ही सिर्फ हुआ। कई जगहों पर मैं गई, वहाँ पर भी बोले, जैसे डुमरिया क्षेत्र में घूमी, वहाँ भी बोला गया कि हाँ रोड का टेंडर हो गया, लेकिन ठेकेदार काम करना नहीं चाहते। कारण क्या है?